ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुरुषोत्तम मास महात्म्यम कथा 25वां अध्याय। इससे पहले के अध्याय में आप सभी ने जाना कि वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम मास की पूजा और व्रत का विधान बता रहे हैं और पुरुषोत्तम मास में दीप दान कैसे करें, कहाँ करें, ये सब बताया। अब आज के इस अध्याय में वाल्मीकि मुनि पुरुषोत्तम मास के व्रत की उद्यापन विधि बता रहे हैं, सो आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। राजा दृढ़ धनवा बोला, हे ब्राह्मण, हे मुने, आप अब पुरुषोत्तम मास के व्रत करने वाले मनुष्यों के लिए कृपा कर उद्यापन विधि को अच्छी तरह से कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, पुरुषोत्तम मास व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए श्री पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को थोड़े में अच्छी तरह से कहूँगा। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, नवमी अथवा अष्टमी को उद्यापन करना कहा है। इस पवित्र पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल उठकर यथा उपलब्ध पूजन के सामान से पूर्वाहन की क्रिया को कर एकाग्र मन होकर सदाचारी विष्णु भक्ति में तत्पर स्त्री सहित ऐसे 30 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। हे भूपते, अथवा यथाशक्ति अपने धन के अनुसार 7 अथवा 5 ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। बाद में मध्याह्न के समय 16 शेर अथवा उसका आधा यथाशक्ति पंच धान्य से उत्तम सर्वतोभद्र बनावे। सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी के छिद्र रहित शुद्ध 4 कलश स्थापित करें। 4 व्यूह के प्रत्यर्थ चारों दिशाओं में बेल से युक्त उत्तम वस्त्र से वेष्टित पान से युक्त उन कलशों को करना चाहिए। उन 4 कलशों पर कर्म से वासुदेव, हलधर, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध देव को स्थापित करें। पुरुषोत्तम मास व्रत के आरंभ में स्थापित किए हुए राधिका सहित देव देवेश पुरुषोत्तम भगवान को कलश युक्त वहां से लाकर मंडल के ऊपर मध्य भाग में स्थापित करें। वेद वेदांग के जानने वाले वैष्णव को आचार्य बनाकर जप के लिए 4 ब्राह्मणों का वरण करें। उनको अंगूठी के सहित 2-2 वस्त्र देने चाहिए। प्रसन्न मन से वस्त्र आभूषण आदि से आचार्य को विभूषित करके फिर शरीर शुद्धि के लिए प्रायश्चित गोदान करें। तदंतर स्त्री के साथ पूर्वोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए और वरण किए हुए 4 ब्राह्मणों से 4 व्यूह का जप करना चाहिए और 4 दिशाओं में 4 दीपक ऊपर के भाग में स्थापित करने चाहिए। फिर नारियल आदि फलों से कर्म के अनुसार अर्घ्य दान करना चाहिए। घुटनों के बल से पृथ्वी में स्थित होकर पंच रतन और यथालब्ध अच्छे फलों को दोनों हाथ में लेकर श्रद्धा भक्ति से युक्त स्त्री के साथ हर्ष से युक्त हो प्रसन्न मन से श्री हरि भगवान का स्मरण करता हुआ अर्घ्य दान करें। अर्घ्य दान का मंत्र, हे देव देव, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे हरे, राधिका के साथ आप मुझसे दिए गए अर्घ्य को ग्रहण करें। नवीन मेघ के समान श्यामवरण 2 भुजाधारी मुरली हाथ में धारण किए पीताम्बरधारी देव राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। इस प्रकार भक्ति के साथ राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार करके चतुर्थांत नाम मात्रों से तिल की आहुति दिवें। इसके बाद उनके मंत्रों से तर्पण और मार्जन करें। बाद में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान देव की आरती करें। अब निराजन का मंत्र कमल के दल के समान कांति वाले राधिका के रमण कोटि कामदेव के सौंदर्य को धारण करने वाले देवेश का प्रेम से निराजन करता हूँ। अथ ध्यान मंत्र अनंत रत्नों से शोभायमान सिंहासन पर स्थित अंत ज्योति स्वरूप वंशी शब्द से अत्यंत मोहित ब्रज की स्त्रियों से घिरे हुए हैं, इसलिए वृंदावन में अत्यंत शोभायमान राधिका और कौस्तुभ मणि से चमकते हुए हृदय वाले शोभायमान रत्नों से जड़ित किरीट और कुंडल को धारण करने वाले आप नवीन पीताम्बर को धारण किए हैं। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। फिर राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान को पुष्पांजलि देकर स्त्री के साथ साष्टांग नमस्कार करें। नवीन मेघ के समान श्याम वर्ण पित्त वस्त्रधारी अच्युत श्री वत्स चिन्ह से शोभित उरस्थल वाले राधिका सहित हरि भगवान को नमस्कार है। ब्राह्मण को सुवर्ण के साथ पूर्ण पात्र देवे। बाद में प्रसन्नता के साथ आचार्य को बहुत सी दक्षिणा देवे। सपत्नीक
आचार्य को भक्ति से वस्त्र आभूषण से प्रसन्न करे, फिर ऋत्विजों को उत्तम दक्षिणा दे, बछड़ा सहित वस्त्र सहित दूध देने वाली सुशीला गो को घंटा आभूषण से भूषित करके उसका दान करना चाहिए। तांबे का पीठ, सुवर्ण का श्रृंग, चांदी के खुर से भूषित कर देवे, घृत पात्र देवे और उसी प्रकार तिल पात्र दे। स्त्री पुरुष को पहनने के लिए उमा महेश्वर के प्रीत्यर्थ वस्त्र का दान करे, 8 प्रकार का पद देवे और 1 जोड़ा जूता दे। यदि शक्ति हो तो आयु की चंचलता को विचरता हुआ वैष्णव ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत का दान करे, देरी नहीं करे। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का अद्भुत रूप है, जो वैष्णव पंडित ब्राह्मण को देता है वह कोटि कुल का उद्धार कर अप्सरागणों से सेवित विमान पर सवार हो योगियों को दुर्लभ गोलोक को जाता है। हजारों कन्यादान, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, धान्य के साथ क्षेत्रों के दान और जो तुलादान आदि 8 महादान है और वेद दान है, वे सब श्रीमद् भागवत दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत गीता को सुवर्ण के सिंहासन पर स्थापित कर वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर विधि पूर्वक वैष्णव ब्राह्मण को दें। कांसे के 30 संपूट में 30-30 मालपुआ रखकर ब्राह्मणों को दें। हे पृथ्वीपते, हर एक मालपुए में जितने छेद होते हैं उतने वृष पर्यंत बैकुंठ लोक में जाकर वास करता है। योगियों को दुर्लभ निर्गुण गोलोक को जाता है, जिस सनातन ज्योतिर्धाम गोलोक को जाकर नहीं लौटते हैं। 2.5 शेर कांसे का संपूट कहा गया है। निर्धन पुरुष यथाशक्ति व्रत पूर्ति के लिए संपूट दान करे, अथवा पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ मालपुआ का कच्चा सामान फल के साथ संपूट में रखकर दे। हे नराधीप, निमंत्रित सपत्नीक ब्राह्मणों को पुरुषोत्तम भगवान के समीप संकल्प करके देवे। अब प्रार्थना लिखते हैं। हे श्री कृष्ण, हे जगदाधार, हे जगदानंदायक अर्थात हे जगत को आनंद देने वाले, मेरी समस्त इस लोक अथवा प्रलोक की कामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। इस प्रकार गोविंद भगवान की प्रार्थना कर प्रसन्नता पूर्वक पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करता हुआ स्त्री सहित सदाचारी ब्राह्मणों को भोजन करावे। ब्राह्मण रूप हरि और ब्राह्मणी रूप राधिका का स्मरण करता हुआ भक्ति पूर्वक गंधाक्षत से पूजन कर घृत पायस का भोजन करावे। व्रत करने वाला विधि पूर्वक भोजन सामान का संकल्प करे, अंगूर, केला, अनेक प्रकार के आम के फल, घी के पके हुए सुंदर उड़द के बने बड़े, चीनी घी के बने घेवर, फेनी, खांड के बने मंडक, खरबूजा, ककड़ी का साग, अदरक, सुंदर नींबू, आम और अनेक प्रकार के अलग अलग शाक, इस प्रकार षट रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन सुगंधित पदार्थ से वासित गोरस को परोस कर कोमल वाणी बोलते हुए यह स्वादिष्ट है, इसको आपके लिए तैयार किया है, प्रसन्नता के साथ आप भोजन कीजिए। हे ब्राह्मण, हे प्रभो, जो इस पकाए हुए पदार्थों में अच्छा मालूम हो उसको मांगिए। मैं धन्य हूँ, आज मैं ब्राह्मणों के अनुग्रह का पात्र हुआ, मेरा जन्म सफल हुआ। इस प्रकार कहकर आनंद पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर तांबूल और दक्षिणा दे। इलायची, लौंग, कपूर, नागरपान, कस्तूरी, जावित्री, कत्था और चूना, इन सब पदार्थों को मिलाकर भगवान के लिए प्रिय तांबूल को देना चाहिए। इसलिए इन सामानों से युक्त करके ही आदर के साथ तांबूल देना चाहिए। जो इस प्रकार तांबूल को ब्राह्मण श्रेष्ठ के लिए देता है वह इस लोक में ऐश्वर्य सुख भोगकर परलोक में अमृत का भोगता होता है। स्त्री के साथ ब्राह्मणों को प्रसन्न कर हाथ में मोदक देवे और ब्राह्मणियों को विधि पूर्वक वस्त्र आभूषण से अलंकृत कर वंशी देवे। सीमा तक उन ब्राह्मणों को पहुंचाकर विसर्जन करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे। और इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके यस्य समृत्या च नामोक्त्य तपो यज्ञ क्रियादीषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो बंदे तम अच्युतम। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार कर जो कुछ कमी रह गई हो वह अच्युत भगवान की कृपा से पूर्ण फल देने वाला हो, यह कहकर यथा सुख विचरे। अन्न का यथा भाग विभाग
कर भूतों को देकर मिथ्या भाषण से रहित हो, अन्य की निंदा न करता हुआ कुटुंबी जनों के साथ भोजन करे, अमावस्या के दिन रात्रि में जागरण करे, सुवर्ण की प्रतिमा में राधिका के सहित पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करे, पूजा के अंत में सपत्नीक व्रति प्रसन्नचित हो, नमस्कार कर राधिका के साथ पुरुषोत्तम देव का विसर्जन करे, फिर आचार्यम को मूर्ति के सहित चढ़ा हुआ सामान को देवे, अपनी इच्छा अनुसार यथा योग्य अनुदान को देवे, जिस किसी उपाय से इस व्रत को करे और उत्तम भक्ति से द्रव्य के अनुसार दान देवे, स्त्री अथवा पुरुष इस व्रत को करने से जन्म जन्म में दुख दारिद्र और दुर्भाग्य को नहीं प्राप्त होते हैं। जो लोग इस व्रत को करते हैं वे इस लोक में अनेक प्रकार के मनोरथों को प्राप्त करके सुंदर विमान पर चढ़कर श्रेष्ठ वैकुंठ लोक को जाते हैं। श्री नारायण भगवान बोले, इस प्रकार जो पुरुष श्री कृष्ण भगवान का प्रिय पुरुषोत्तम मास व्रत विधि पूर्वक आदर के साथ करता है, वह इस लोक के सुखों को भोगकर और पाप राशि से मुक्त होकर अपने पूर्व पुरुष के साथ गोलोक को जाता है। इस प्रकार श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।